अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो गाइज आज फिर आप लोगों के लिए एक रिएक्शन वीडियो ले गया हूँ। आज की वीडियो जो है कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, आज की वीडियो जो है वो इंडिया की एक सिटी है उस पे रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बहुत ही प्यारी सिटी है पूना, जो क्वीन के नाम से मशहूर है। तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे करते हैं डिस्कस। तो दो भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये नाइट का व्यू, वाह ग्रेट। ये है पुणे शहर जो कि भारत का छठवां और महाराष्ट्र नंबर पे सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में मुला और मुठा नदियों के किनारे बसा पुणे मुंबई से 150 किलोमीटर स्थित है। पिछले कुछ समय में इस शहर ने आईटी क्षेत्र में मैसिव ग्रोथ हासिल की है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर्स यहां पर खोले हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा पुणे का मौसम साल भर सुहाना रहता है, जो इसे रहने और घूमने के लिए एक बेस्ट सिटी बनाता है। टाटा, इंफोसिस, विप्रो, बजाज, महिंद्रा जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियों की वजह से पुणे सिटी भारत का ऑटोमोबाइल हब बन चुका है। काफी प्राचीन इतिहास से पुणे को महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में पुणे को पुन्नक नाम से जाना जाता था और मराठा साम्राज्य के दौरान पुणे महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी भी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुणे की जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक थी, जिनमें से 80% हिंदू, 11% इस्लाम, 4% बौद्ध और 2-2% के साथ जैन और क्रिश्चियन के साथ सिख धर्म के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। पुणे में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी जुबान ज्यादा बोली जाती है। यहाँ पर हिंदी और गुजराती के साथ अंग्रेजी भी बोली जाती है। 86% लिटरेसी रेट के साथ पुणे भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में आता है। 100 से भी अधिक कॉलेजेस और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। कई बार इस शहर को रहने के लिए बेस्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। पुणे के आसपास मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कि चाकन, चिंचवड़, जोसारी, पिरंगुटे, हिजवड़ी, तलेगांव और तलवाड़े स्थित है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह शहर भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, जिसे 2002 में बनाया गया था। 2022 से शहर में मेट्रो भी शुरू की गई। शहर में मौजूद पुणे रेलवे स्टेशन भारत के सभी शहरों से भी कनेक्टेड है। पुणे का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर दूर लोहे गांव में स्थित है। बड़ा प्यारा है यार। महत्वपूर्ण शहरों के साथ सिंगापुर और दुबई के लिए उड़ाने प्रदान करता है। इस एयरपोर्ट की सीमित क्षमता के कारण पुणे से 10 किमी दूर पुरंदर में एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों बात करें पुणे के लजीज स्ट्रीट फूड के बारे में तो साबूदाना वड़ा ज्यादातर लोगों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। इसके अलावा भी आप यहां पर पुनेरी मिसल पाव, पाव भाजी, वड़ा पाव, भेलपुरी, पूरन पोली जैसे व्यंजन को भी यहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। पुणे लोनावला, खंडाला और महाबलेश्वर जैसे खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों अब बात करते हैं पुणे के कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले है शिवनेरी फोर्ट। यह किला महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान था। यह किला 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 7 फाटकों को पार करना पड़ता है। यहाँ पर माँ जीजाबाई के साथ शिवाजी महाराज की भी मूर्ति मौजूद है। उसके बाद है वेस्टर्न घाट। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हरियाली और बहते हुए झरने इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस जगह को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। मॉनसून के सीजन में इस जगह की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत प्यारा है यार। राजगढ़ फोर्ट, 4600 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला 25 वर्षों से भी ज्यादा अधिक समय छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा था। इस किले तक पहुंचने के लिए आप एक शानदार ट्रैकिंग का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी पुणे में लाल महल, सिंहगढ़ फोर्ट, पार्वती हिल, आगा खान पैलेस जैसी कई सारी जगह घूमने लायक है। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर पुणे सिटी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ये वीडियो थी, ये पुणे की सिटी थी, इंडिया की एक सिटी है पुणे जो 6वें नंबर पे है इंडिया में। तो बहुत ही प्यारी सिटी थी और फर्स्ट क्लास टूरिस्ट प्लेस थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।
तो जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करते, आज बाकी जो वीडियो मैं करता हूँ कंपैरिजन वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैंने पूना की सिटी की वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना हो तो मैं अपने व्यूअर के साथ शेयर करूँ। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।